Hey friends, I'm Nidhaman, welcome to The Fly, and this video is about a rubber and power plane with a plastic bag. So, आज के इस वीडियो में हम रबर एंड पावर प्लेन बनाने वाले एक प्लास्टिक बैग को यूज़ करके तो इस प्लेन को बनाने में जो प्रॉब्लम्स आई वो क्या है मैं आपको बता दूँ ताकि आप प्रॉब्लम्स जो आए उसका आप कैसे फेस कर सकते हो और अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हो। तो मैंने इस प्लेन में क्या किया था कि जो मेरा विंग का साइज़ था उससे मैंने 75% उसके फ्यूजलाज का लेंथ रखा था। वो सही से काम नहीं कर रहा था, मेरा प्लेन जो है बार बार घूम जा रहा था, पूरी तरह से ऐसा पलट जा रहा था राइट की तरफ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही। तो मैंने क्या किया, उसके फ्यूजलाज के लेंथ को और ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी कि जो विंग का साइज़ है उससे लगभग उससे थोड़ा सा बड़ा रखा मैंने फ्यूजलाज का लेंथ। तो उसके बाद ये प्लेन काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस हो गया और ये बहुत अच्छा उड़ रहा है। और ये एक इनडोर प्लेन है, इसको हम घर के बाहर नहीं उड़ा सकते क्योंकि अगर इसको हम घर के बाहर उड़ाएंगे तो घर के बाहर चलती है थोड़ी सी तेज़ हवा, इसकी वजह से ये उड़ेगा नहीं। आजकल मौसम ही बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, बारिश तो लगातार हो ही रही है, तो मैंने इसको घर के अंदर ही उड़ाया और ये घर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से उड़ता है, ये काफ़ी स्लो उड़ता है। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, विच इज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, एंड अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मैं और क्या क्या बना सकता हूँ, कुछ मुझे नए आइडियाज़ दो और इन्जॉय करो वीडियो को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। On that beat, going crazy.